हेलो भाई, अरुण पवार इंड्री। अभी देखिए, एक मेन रोड पे खड़ा हुआ है। ये रोड जाता है भाई नूह से पलवल की ओर, और हमको देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिला। एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट यहाँ पे हो रखा है। अब ये समस्या हमारी बाहर है कि भाई ने किस तरीके से गिराई होगी यार ये गाड़ी। तो मतलब जैसे देखो बहुत सारी ये बेस मोड वाला ऐसे दिख रहा है, बेस मोड की पहचान कैसे होती है, जो इसका इंडिकेटर वगैरह होता है ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। भाई साहब, ऐसे बिल्ड क्वालिटी वाली जो चीज़ रहती है ना, जैसे लोग कहते हैं बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, ये डिपेंड करता है बिल्ड क्वालिटी वाली चीज़ भी ना, कि एक्सीडेंट हो कैसे रहा है। अब जैसे ये इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है, इसमें मैं 100% श्योर हूँ, इसमें बंदे की जान वान तो जाने को भी सवाल पैदा नहीं होता, तो इसमें बिल्ड क्वालिटी का क्या ही रह गया। एक देखो भाई, वैसे इनका बोनट वोनट आप देखते हो कितना, मतलब हल्की इनकी जो स्टील की क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है भाई, कितनी हल्की है, मतलब कैसे कागज़ की तरह मुड़ गया। देखना भाई, ये इनका जो बोनट है, देखना किस तरीके से चेसी, देखो भाई ये चेसी पूरी बैंड हो गई है। और इसका जो इंजन विंजन है, इंजन तो देखो सेफ खड़ा है, यहाँ पे देखिए सेफ लग रखा है। फोर्थ सिलेंडर इंजन जो इसके अंदर आता है 1.2 लीटर का, ये तो ठीक है, लेकिन भाई इसका रेडिएटर वगैरह पूरा कचूमर निकल गया है। अब भाई देखो, मेरे को प्रॉपर नहीं पता इस गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ है। या तो हो सकता है ये यहाँ पे हुई हो, यहाँ पे हुई हो और फिर इसको ऐसे धकेल दिया गया हो, लेकिन फिर ये भी मन में आ रहा है कि अगर ऐसे करते तो इससे अच्छा तो वो लेके ही चले जाते इसको। तो यार खुदा के यहाँ पे पड़ी है, लेकिन क्या एक बार पीछे से आइए, मैं देखता हूँ उस गाड़ी के साथ क्या सीन। एयरबैग खुल चुके हैं गाड़ी के प्रॉपर, और गाड़ी ये भाई देखो गाड़ी कितनी भयंकर तरीके से यहाँ पे एयरबैग खुले हैं। ऐसे अच्छी बात ये है भाई गाड़ी में कि कोई भी ऐसे जान मान का खतरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ना कोई ब्लड दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वरना एयरबैग वगैरह पे हम सीरियस इश्यूज देखते हैं। पीछे भाई ने जो भी है इनके हेडलाइट वगैरह यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे भी ज़्यादा ऐसा अंदर डैमेज नहीं दिख रहा है। तो भाइयों इधर से आओ, मतलब अरे और मत गेट दिया नीचे के। अरे भाई सॉरी, तो पीछे से भी ठुकी है भाई ये, आ जाओ अच्छा नीचे आना है। हाँ नीचे आओ ना, ये तो भाई साहब यहाँ से भी ठुकी हुई है यार, नीचे से देखना क्या हाल हो रखा है इसका। अरे माई गॉड, निकल निकल के देखा था, रास्ता बना दिया है। हाँ वही तो, दुनिया ने देखी होगी ना, आए तो निकलता बढ़ता सार को ही देखता ही है भाई गाड़ी को। ना पता, हम तो देख रहे हैं क्या सी कैसे गिरी, हम तो देख रहे हैं। तो अक्सर ऐसे रोड पे भाई देखो, जब गाड़ी चलती है तो कोई उसको भाव नहीं मिलता है ना, ये नेचुरल सी बात है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन में आपकी गाड़ी हो जाती है तो फिर दुनिया आगे पूछती है। अब एक अच्छी चीज़ क्या आ रही है, ये गाड़ी जाती पलट। अभी ये जो पेड़ है ना, देखो ये पेड़ ने कितनी बचाई है भाई ये गाड़ी, एआई की वजह से ना पलटी हूँ, नहीं ना यू औंधी खड़ी रहती। देख रहे हो ना, ये पेड़ ने इसको सपोर्ट दी, पड़ी है रुक गई ऐसे, नहीं तो भाई ये पलट जाती ना फिर ज़्यादा, मतलब हाँ वो डैमेज होने के चांस बनते थे। अरे यार होप सो सब बच गए हो इसमें यार, देखियो अरे सेफ्टी की कोई हुई ना है ना, मतलब दे अब इसमें देख बिल्ड क्वालिटी ऐसे केस में तो क्या ही करेगी जब इस तरीके से गिर गई है। लेकिन अगर इम्पैक्ट जब ऐसे होता है ना, तब पता चलता है कि आपकी चेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है और आपकी जो बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की वो कितनी अच्छी है। ये अच्छा लगेगा ही नहीं, तो साइड में तो भी ठुकी है, पता नहीं सामने से दी है ना किस में, सामने से देखना कितना बुरा हाल हो रखा है भाई इस गाड़ी का, देखना। अरे यार देखना यार, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, इसके पाइप वाइप सब फट चुके हैं देखो भाई। तो यही है भाई, रोड पे स्पीड आपको मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। एक तो जो ये नूह से पलवल वाला रोड है, मैं हरियाणा वालों के लिए बता, मतलब जो आसपास के एरिया के हैं, ये बहुत ही बेकार बना रखा है भाई। ये रोड पहले बड़ा था, दोबारा बनाया और छोटा कर दिया, और ये मेन रोड है, इसके ऊपर ट्रैफिक इतना रहता है, लेकिन और ये सर इतना बेकार रोड बना रखा है सरकार, पता नहीं कैसे ऐसे रोड्स को अप्रूव कर देती है, ना कोई लेन है इस पे ना कुछ, जबकि इतना मेन रोड है। पहले बड़ा था, बड़ा और बड़ा करना चाहिए ना, क्योंकि साइड में वो जगह, उल्टा जब दोबारा बनाया छोटा कर दिया, ऊपर इतने बम्प है इसके अंदर, पता नहीं किसने अप्रूव करा किसने नहीं, बड़ा बड़ा करप्शन चलता है यार इन चीज़ों में ना। एक ढंग के रोड बना लो यार, और स्विफ्ट जैसी चीज, मतलब गाड़ियाँ भाई इनको थोड़ा प्यार से लाया करो मारुति वालों, मतलब जान मान का फर्क है भाई। ये अगर पेड़ नहीं होता ना, ये गाड़ी पलट पुलट के क्या ले लेते यार भाई, हैं पलट जाती तो फिर वो छत पिचक जाती और खामा का नार वार में लग जाती किसी के, फिर सीरियस इंजरी हो जाती, क्योंकि ऊपर तो भाई कोई वो रहता ही नहीं है ना। अब सब लोग ऐसे समझ रहे हैं हमारी है क्या, क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं, सब लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हो, तो हम तो लोकल, मतलब हम तो बस ऐसे ही देख रहे हैं भाई इसको,
टायर बस गया, लेकिन ये जेके टायर का अगर ये बन भी गई तो भाई पहली बार फील तो आएगी ना। नहीं अगर वो ही है एक, वो तो नॉर्मल सी बात है भाई, एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ना तो तुम ये प्लांट में ले जाओ, डीलर तो छोड़ो वर्कशॉप मारुति के, प्लांट में भी ले जाओ, वो वाली चीज आ ही नहीं सकती जो वाली फील आती है ना। अब ये बन भी गई ना तो बहुत बेकार, मैं देखूँ एक बार बन पाएगी, बन जाएगी मतलब अगर देखो तो। इंजन विंजन तो हिल गया भाई इसका पूरा ना, डगमगा गया है पूरा का पूरा, डगमगा गया। तो देखो भाई अभी जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे तो कोई नहीं रुक रहा था, क्योंकि ये साइड में थोड़ी सी पड़ी, किसी की नज़र इस पर पड़ नहीं रही है। तो भाई हम तो यही कह सकते हैं बस कि पता क्या रहता है, अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, ये गाड़ी मेरे ख्याल से कल भाई दूज वाले दिन हुई है। अब एक चीज़ आप सोचो, घर वालों को तो पता चला होगा कि एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का, भाई धरती के नीचे से ना, मतलब सॉरी पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब घर वाले सुनते हैं, ठीक है। तो कृपया सेफली चलो यार, क्या फ़ायदा ऐसे घर वालों को दुख पहुंचाने का। पीछे से देखूँ यार निकले पड़ा है, किसी ने पैसे रख दिए मतलब। हाँ कई हम जैसे भाई ने जो सीरियसली मैन बेस मॉडल पता नहीं यार, एक तो मोड़ है ना, मेरे को लग रहा है कि ये ना, और देख यहाँ पे भी इसके कांच पड़े, बक्या 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 बक्या, देख कांच आके यहाँ भी पड़े हैं, तो ऐसे लगी है कैसे पता ना यार, क्या समझ ना आ रहा सिस्टम इसका, एक तो मोड़ है, हो सकता है स्पीड में आ रही हो रात के टाइम, तब एकदम गई हो उसमें खाई में, है ना। तो फिर कांच इधर साइड थोड़ी आते ना, इधर से निकाली है देखियो, इधर से जैसे पे बंद तो रखे। हाँ चलो भाई जैसा भी है आओ यार, हम तो आपको यही सलाह दूंगा मैं तो भाई, प्लीज़ अपना स्लोली ड्राइव करो और सेफ गाड़ी लो, मेन बात ये है। हम खुद कितने अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं, हम कितनी अच्छी तरीके से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन सामने वाला किस मूड में है, सामने वाले ने क्या उसकी सोच है, उसको कितनी जल्दी है, उसका नहीं पता ना आदमी को, पी रखी है ना पी रखी हो, काम कहें कि फिर दिक्कत बने, इसलिए ना आराम से प्यार प्यार से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ऐसे हो भी जाए, अगर मान लो भगवान ना करे एक्सीडेंट, तो भाई फिर ना थोड़ा मामला सेटल करने की कोशिश किया करो, बहुत लोग होते हैं हाइपर हो जाते हैं, तैने मार दी मैंने मार दी, लड़ाई हो जाती है, उसको कोई नहीं देखता किसको लगी किसको नहीं लगी, तैने मार दी मैंने मार दी, पैसा दे ये दे, ये चीज़ गलत है भाई, सेटल करने की कोशिश किया करो। हाँ भाई सॉरी सॉरी कह दो सामने से भाई, कोई सब ऐसे एक सॉरी वर्ड ऐसा है ना सब सुन के पिघल जाते हैं, तो जब भी एक्सीडेंट हो तो पहले तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर कुछ होता है तो मामला सेटल करने की कोशिश किया करें भाई, और अपना सीट बेल्ट जरूर पहना करें। चलो भाई ये थी अपनी पूरी वीडियो, आप सभी होप सो इससे सबक लेंगे इस वीडियो से। और एक और चीज, जब भी आप चलें जरूर से सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, जिससे अगर अनहोनी कुछ होती है तो ये बहुत आपको ऐसे जाने से जो हमारा सिर स्टेयरिंग में लगता है उससे बहुत बचाती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने गाड़ी स्पीड में पकड़ी और 100 रुपये में दिक्कत देखी, आप देखिए भाई कितनी बुरी तरह कांपता है इसका स्टेयरिंग, मूडी गाड़ी है। तो मान लो जैसे अभी मैं ब्रेक लूँगा ना और मैं आगे जाने की कोशिश करूँ, देखो दबा लिया इसने मेरे को, तो जो सीट बेल्ट है ना ये बड़ी बहुत सही काम करती है, हमारी चेस्ट को हमारे सर को यहाँ पे इंपैक्ट होने से बचाती हैं, एकदम जब वो भी लगता है ना एकदम एयरबैग फूलता है तो हमारे सर उसमें जब लगते हैं तो उससे भी इंजरी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से एकदम उसके अंदर हवा बढ़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें भाई, और अपना आराम से प्यार से गाड़ी चलाएं सोच समझ के, और रात के टाइम तो बहुत ध्यान से, क्योंकि लोग हाई बीम पे आते हैं तो ऐसे ही सामने से कुछ नहीं दिखता। चलो भाइयों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ ड्राइव सेफ, थैंक यू सो मच, जय बाबा की।